हाय गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज हम देखेंगे चैप्टर 11 के आगे चलेंगे, जो हमने पिछले लेक्चर में जहां तक फिनिश किया था। आज से स्टार्ट करेंगे हमारा कैलोरी मीटर। ठीक है, कैलोरी मीटर पहले समझते हैं कैलोरी मीटर होता क्या है। तो कैलोरी मीटर से हम हीट मेजर करते हैं, कितनी एक ऑब्जेक्ट लॉस कर रहा है और कितना एक ऑब्जेक्ट गेन कर रहा है। उसमें करते क्या है, एक हॉट बॉडी ले ली, एक कोल्ड बॉडी ले ली, दोनों को मिक्स कर दिया। ठीक, अब वो सिस्टम ऐसा होता है कि हीट सराउंडिंग से एक्सचेंज नहीं होती, जो भी होता है हॉट बॉडी एंड कोल्ड बॉडी के बीच में एक्सचेंज होता है। कब तक एक्सचेंज होगा, जब तक दोनों के टेम्परेचर बराबर नहीं हो जाते। ठीक, तो क्या होगा, दोनों में इक्विलिब्रियम मेंटेन हो जाएगा, जिससे सेम टेम्परेचर हो जाएगा पूरे सिस्टम का जो मिक्स किया है आपने दोनों को वो। ठीक, अब कैलोरी मीटर की डिफिनेशन से स्टार्ट करते हैं पहले। तो कैलोरी मीटर क्या होता है, अ सिलिंड्रिकल वेसल विच इज यूज टू मेजर द अमाउंट ऑफ हीट गेन और लॉस बाई अ ऑब्जेक्ट या बॉडी। ठीक, लॉस कौन कर रहा होगा, जो हाई टेम्परेचर पे होगा। गेन कौन कर रहा होगा, जो कोल्ड टेम्परेचर पे होगा। व्हेन इट इज मिक्स्ड विद अदर बॉडी, यानी दोनों का मिक्स होना भी जरूरी है, ऐसे कैसे हीट ट्रांसफर होगा, नहीं तो सराउंडिंग में एक्सचेंज होने लगेगी तो हम एग्जैक्ट हीट नहीं निकाल पाएंगे कितनी ऑब्जेक्ट पे मिल रही है, कितनी आपकी सराउंडिंग से एक्सचेंज हो रही है। ठीक, सिलेंड्रिकल वेसल होता है। अब इसका अरेंजमेंट फिगर के साथ देखते हैं। पहले क्या होता है आपका, एक कॉपर की वेसल होगी। ठीक, कॉपर की वेसल क्यों लेते हैं, तो कॉपर आपका क्या है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, मतलब इसमें आपको हीट कंडक्ट करा के जो हॉट बॉडी का टेम्परेचर है उस टेम्परेचर पे इस पूरे सिस्टम को लाने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक, कंडक्शन पावर अच्छी है, तो यहाँ पे भी टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा और यहाँ पे भी टेम्परेचर मेंटेन हो जाएगा, मतलब ओवरऑल पूरी बॉडी का जो उसके अंदर कंटेन है उसके साथ वेसल का पूरा टेम्परेचर क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक, दूसरा क्या रीजन है, दूसरा रीजन है इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कम होती है, जिससे ये क्या करता है, हीट को ज्यादा एब्जॉर्ब नहीं करता हॉट बॉडी से, और उस टेम्परेचर पे जाने के लिए इसको ज्यादा हीट जरूरत नहीं पड़ती। ठीक है, तो इस दो कारण की वजह से इसको क्या लेते हैं, कॉपर का लेते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, इसमें तीन टाइप के हीट लॉस होते हैं, क्लास 9 में हमने देखा था, कंडक्शन, कन्वेक्शन, रेडिएशन। ठीक, तो रेडिएशन को रोकने के लिए हम क्या करते हैं, वुडन जैकेट से इसको कवर कर देते हैं। ये आपकी क्या है, वुडन जैकेट। रेडिएशन हमने खत्म कर दी। फिर इन दोनों के गैप के बीच को खत्म करने के लिए, जिससे हम कंडक्शन खत्म कर पाएंगे इन दोनों के बीच में, क्या भरेंगे, हम वूल भर सकते हैं, कॉटन भर सकते हैं, यानी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट जो भी होंगे उसको हम फिल कर सकते हैं इनके गैप के बीच में। ठीक है, ठीक, तो हमने दो चीज खत्म कर दी, कौन कौन सी, रेडिएशन एंड कंडक्शन। अब बचा कन्वेक्शन। कन्वेक्शन कैसे खत्म करेंगे, इसके ऊपर क्या लगा देते हैं, वुडन लिड लगा देते हैं, जिसमें दो होल होते हैं, एक आपका थर्मामीटर के लिए और एक आपका ठीक है, और एक आपका होल होता है जिससे आप किसी ऑब्जेक्ट को डाल के इन दोनों को मिक्स कर सकते हैं, जिसे हम स्टरर बोलते हैं। ठीक है, और ये होल उतना ही होता है जितना थर्मामीटर और स्टरर आप पास हो सके और ज्यादा गैप ना हो। तो हम कन्वेक्शन को पूरी तरह तो निग्लिजिबल नहीं, लेकिन मैक्सिमम निग्लिजिबल कर देते हैं। तो तीनों तरह से आपके लॉसेस खत्म हो गए। ठीक है, और क्या होता है, थर्मोमीटर, और थर्मोमीटर को होल्ड करने के लिए एक स्टैंड लगा होता है, ये आपका पूरा अरेंजमेंट होगा। ठीक है, अब इसकी पूरी प्रोसेस, तो हमने क्या किया, रेडिएशन खत्म कर दिया वुडन जैकेट से,
कंडक्शन खत्म कर दिया इसके दोनों के बीच की फिलिंग, दोनों के बीच के स्पेस को फिल करके, और कन्वेक्शन भी खत्म कर दिया। ठीक, ये पूरी बात हो गई इस अरेंजमेंट की। अब बात करते हैं कि ये किस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इसका वर्किंग प्रिंसिपल आपका क्या होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कह लिए क्योंकि हीट इज द फॉर्म ऑफ एनर्जी। अब हीट बन नहीं रही है और खत्म नहीं हो रही है, केवल ट्रांसफर हो रही है। कैसे? हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में। मतलब जो इसका एग्जैक्ट स्टेटमेंट होगा वो क्या होगा, हीट लॉस बाय हॉट बॉडी इक्वल्स टू हीट गेन बाय कोल्ड बॉडी। ठीक, ये आपका एग्जैक्ट स्टेटमेंट होगा। जहां पे भी आप यूज करेंगे इसी स्टेटमेंट का यूज होगा। तो ये आप मेमोराइज कर लीजिए, अच्छे से याद कर लीजिए। अब आगे जितने भी प्रूफ अब स्टार्ट होने जा रहे हैं सब में यही लगेगा। ठीक है, ये अरेंजमेंट हो गया। अब देखते हैं अब इसको सॉल्व करके कौन सा फॉर्मूला हमको मिलेगा। ठीक है, कैलोरीमीटर में क्या करते हैं, दो दो ऑब्जेक्ट को, एक हॉट को एक कोल्ड को मिक्स करते हैं। तो मान लीजिए हमने दो बॉडी ले ली, हॉट बॉडी जिसको हमने ए मान लिया। ठीक है, इस केस में क्या क्या होंगे, पहला इसका मास होगा। ठीक है, दूसरा क्या होगा, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होगी। ठीक है, C1 क्या है, इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है। और तीसरी चीज हमें किस चीज की जरूरत है, टेम्परेचर की। ठीक, तो T1 क्या है, टेम्परेचर ऑफ A, और A हमारी क्या है, हॉट बॉडी। अब दूसरी बॉडी की जरूरत होगी, वो हम क्या कंसीडर करेंगे, कोल्ड बॉडी जिसे हम B मान लेते हैं। ठीक, इस केस में आपको क्या होगा, M2 होगा जो मास होगा। ठीक, C2 क्या होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ बॉडी बी होगी। टी टू क्या होगा, टेम्परेचर ऑफ कोल्ड बॉडी। ठीक, तीन चीजें हमें मिल गई। और क्या है, ये कंसीडर करने की जरूरत नहीं है लेकिन आपको स्टेटमेंट में लिखना पड़ेगा, क्या टी वन टेम्परेचर जो है वो टी टू से ज्यादा है। ठीक है, ये चीज स्टेटमेंट में लिखेंगे, उसके बाद प्रूफ को स्टार्ट करेंगे। अब देखते हैं, मान लीजिए ये T1 और T2 आपने टेम्परेचर लिए, T1 से हीट ट्रांसफर हुआ बॉडी B में। ठीक, तो इसका टेम्परेचर होगा डाउन, इसका टेम्परेचर होगा अप, होगा। तो एक इंटरमीडिएट टेम्परेचर मान लेते हैं, ठीक, इंटरमीडिएट टेम्परेचर या फिर इक्विलिब्रियम टेम्परेचर जिसमें हॉट बॉडी और कोल्ड बॉडी सेम टेम्परेचर पर रहेंगी, वो क्या होगा, टी। हो गया, ठीक। अब सारी कैलकुलेशन हम स्टार्ट करते हैं, सारी अजम्पशंस हो चुकी, तो अब देखते हैं क्या होगा। ठीक है, फॉल इन टेम्परेचर ए, ए में कितना फॉल हुआ, T1 उसका हाई था, पहुंचा कहां पे, T। ठीक, वैसे ही राइज इन टेम्परेचर भी कितना, पहुंचा T और था कितना, T2।
ठीक है, ये हो गया। अब बात करते हैं हीट लॉस कितनी हुई ए में, ठीक है, कितनी होगी, फॉर्मूला क्या था, एम सी डेल्टा टी, ठीक। तो हॉट बॉडी के केस में मास कितना था, एम वन, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी थी, सी वन, और फॉल इन टेम्परेचर कितना हुआ, टी वन माइनस टी, ठीक। फिर क्या हुआ, हीट गेन इन बॉडी बी, ठीक, हीट गेन बाय बॉडी बी कितना होगा, मास कितना था, एम टू, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी थी, सी टू, एंड टेम्परेचर कितना राइज हुआ था, टी वन, टी माइनस टी टू, ठीक। अब प्रिंसिपल क्या था, हीट लॉस बाय बॉडी ए इक्वल्स टू हीट गेन बाय बॉडी बी, तो उस हिसाब से क्या कर सकते हैं, ये वन हो गया, ये टू हो गया, तो आप पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे कौन सी, फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक, हीट लॉस बाय बॉडी ए इक्वल्स टू हीट गेन बाय बॉडी बी, तब आप लिखेंगे स्टेटमेंट, ठीक। मैं यहां डायरेक्ट लिख दे रहा हूं, लेकिन आप जब भी प्रूफ करेंगे क्या करेंगे, पूरी स्टेटमेंट लिखेंगे, नहीं तो नंबर आपके कटेंगे, ठीक। फ्रॉम द प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर, ठीक, इक्वेटिंग वन एंड टू, ठीक है, क्या एम वन सी वन टी वन माइनस टी इक्वल्स टू एम टू सी टू टी माइनस टी टू, ठीक है, ये आपकी पूरी स्टेटमेंट निकल के आई, ठीक। इसका आगे यूज होगा, बहुत बार इस पे बेस्ड फॉर्मूले या न्यूमेरिकल दे दिए जाते हैं जिसमें आपसे कैलकुलेट करने को बोला जाता है, ठीक है। तो पहला फॉर्मूला आपका आया इस चैप्टर का, क्या एम वन सी वन टी वन माइनस टी इक्वल टू एम टू सी टू टी माइनस टी टू, ठीक। आपको याद रखना है एम वन क्या है, सी वन क्या है, टी वन क्या है और टी क्या है, वैसे ही एम टू सी टू और टी टू क्या है, ठीक है। तो ये बात हो गई कैलोरीमीटर के फॉर्मूले की। अब आगे चलते हैं, इसी फॉर्मूले पे बेस आपको दो प्रूफ और हैं, वो कौन से, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड, तो वो क्या है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, अब देखते हैं मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड। तो मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ अ सॉलिड, ठीक, कि सॉलिड की हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी हो, तो उसके लिए कुछ स्टेप्स हैं। पहले फर्स्ट स्टेप क्या होगा, पहले आपको कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट लेंगे, ठीक है, उसका वेट करेंगे, ठीक। वेट करने के बाद आप क्या करेंगे, उसको एक स्ट्रिंग से सस्पेंड करेंगे, ठीक है, फिर क्या करेंगे, उसको हीट प्रोवाइड करेंगे, कब तक, जब तक उसमें स्टडी टेम्परेचर एक्वायर नहीं हो जाता तब तक, ठीक है। तब तक आप क्या करेंगे, कैलोरी मीटर लेंगे, उसका पहले जो एम्प्टी होगा एम्प्टी कैलोरी मीटर का वेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, उसको वन थर्ड फिल करने के बाद, वन थर्ड किस चीज से, कोई भी लिक्विड हो सकता है, हम लोग इस केस में क्या लेंगे, वाटर लेंगे, तो वाटर को वन थर्ड फिल कर देंगे, फिर क्या करेंगे, फिर कैलोरी मीटर का वेट करेंगे, ठीक, जिससे आपको क्या पता लग जाएगा कि वाटर का वेट कितना हुआ, ठीक, क्योंकि स्पेसिफिक हीट के मेजरमेंट में आपको पता ही है कि मास का बहुत बड़ा रोल होता है, तो इस तरह हमको क्या पता चल जाएगा, मास ऑफ वाटर। उसके बाद जो आपने सॉलिड को हीट किया है स्टडी टेम्परेचर आने के बाद, क्या करेंगे, कैलोरी मीटर में
डाल देंगे, ठीक, कैलोरी मीटर में डाल देंगे। फिर क्या करेंगे, उसको हल्का 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 मिलाएंगे, जिससे क्या होगी, जो सॉलिड में हीट है वो किस में जाएगी, लिक्विड में, ठीक है। उसके पहले जो आपने पहले वाटर फिल किया था 1/3, उसमें क्या करना है आपको, वाटर का इनिशियल टेम्परेचर ले लेना है, उसके बाद सॉलिड को डालना है, फिर उसके बाद जब सॉलिड आपका लिक्विड के टेम्परेचर के इक्विलिब्रियम में आ रहा है, तब आपको क्या करना है, वाटर का टेम्परेचर मेजर कर लेना है, ठीक। यानी T1 क्या है, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, T2 क्या है, फाइनल टेम्परेचर ऑफ द वाटर, ठीक है, ये हो गया आपका। फिर उसके बाद आप क्या करेंगे, फॉर्मूले से आप मेजरमेंट कर लेंगे। तो इतने स्टेप्स आपको परफॉर्म करने के बाद क्या करना है, ठीक है। फिर क्या होगा, अब 1 by 1 ऑब्जर्वेशन लिखते जा रहे हैं, और इस केस में जो हो रहा है वही सेम किस में होगा, आपका लिक्विड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मेजरमेंट में, ठीक है, कोई भी अंतर नहीं है स्टेप्स में। तो वहां उस केस में हम सीधा फॉर्मूला यूज करेंगे, स्टेप सारे यही है, अंतर कुछ नहीं, ठीक। मास ऑफ सॉलिड क्या है, M1, ठीक, M1 kg, ये हो गया, ठीक, इराइज। फिर क्या है, मास ऑफ वाटर, मास ऑफ वाटर क्या होगा, मास ऑफ वाटर या मास ऑफ कैलोरी मीटर की बात कर लें, ठीक है, पहले मास ऑफ कैलोरी मीटर ले लेते हैं, मास ऑफ कैलोरी मीटर क्या होगा, M1 kg, ठीक। सॉलिड का मास हमने M ले लिया, कैलोरी मीटर का मास M1 ले लिया, और मास ऑफ कैलोरी मीटर प्लस वाटर का क्या हो जाएगा, M2, ठीक है, जिस स्टेप में हमने लिया था उसी स्टेप में ले रहे हैं, ठीक। अब क्या होगा, आपका लेंगे अब इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर, इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर कितना, T1°C, फाइनल टेम्परेचर कितना लेंगे, T2°C, ठीक। इतनी ऑब्जर्वेशन आपने ले ली, टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना हो जाएगा, ठीक, इंटरमीडिएट टेम्परेचर लेना पड़ेगा तभी आपकी कैलकुलेशन हो पाएगी। तो टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना ले लेते हैं, T°C, ठीक। इतनी ऑब्जर्वेशन आपकी हो गई। अब क्या है, आपको स्पेसिफिक हीट लेनी पड़ेगी, किसकी किसकी, पहली तो आपको सॉलिड की, दूसरी आपको कैलोरी मीटर की, तीसरी आपकी वाटर की, तीन सब्सटेंस आप यूज कर रहे हैं, कैलोरी मीटर, तो उसी हिसाब से लिख लेते हैं। सी क्या है, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक। सी सी क्या है, कैलोरी मीटर की है, और सी डब्ल्यू क्या है, वाटर की है, ठीक है। तो ये इतनी ऑब्जर्वेशन आपको लेनी है, उसके बाद आपकी कैलकुलेशन स्टार्ट होगी, ठीक। तो इसके आगे चलते हैं, अब कैलकुलेशन कहां से स्टार्ट होगी, मास ऑफ वाटर से, ठीक है। इतनी तो ऑब्जर्वेशन आपको इंस्ट्रूमेंट से लेनी पड़ेगी, उसके बाद जो आप कैलकुलेट करेंगे वो कैसे करेंगे, मास ऑफ वाटर क्या था, हमने M1 लिया था किस केस में, कैलोरी मीटर जब एम्प्टी था, M2 लिया था जब वाटर और कैलोरी मीटर दोनों था, ठीक। तो डिफरेंस कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, मास ऑफ वाटर, ठीक है। तो क्या बनेगा, M2 - M1 kg, ठीक है। फिर क्या होगा, राइज इन टेम्परेचर, जो कोल्ड बॉडी थी आपकी यानी वाटर, वाटर के टेम्परेचर में कितना राइज हुआ, तो राइज इन टेम्परेचर ऑफ वाटर
t-t1, ठीक है, t-t1 डिग्री सेंटीग्रेड। इसके बाद क्या लेंगे, हीट एनर्जी गेन्ड बाय वॉटर, ठीक, हीट एनर्जी गेन बाय वॉटर। हीट एनर्जी कितनी गेन करेगा, पहला तो उसका मास क्या था, m2-m1 इंटू उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी थी, Cw, ठीक है। उसके बाद उसका टेम्परेचर, टेम्परेचर कितना राइज हो रहा था, T-T1, ठीक है। लेकिन जो टोटल हीट लॉस हो रही है उसमें से कुछ अमाउंट, जो थोड़ा सा अमाउंट होगा, वो तुम्हारा कैलोरी मीटर भी गेन कर रहा होगा, तो कैलोरी मीटर की भी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यानी एनर्जी गेन कैलकुलेट करना पड़ेगा, ठीक। तो हीट गेन बाई कैलोरी मीटर कितना हो जाएगा आपका, मास कितना था, m1 था, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी थी, C। अब टेम्परेचर कितना राइज हुआ, ठीक, टेम्परेचर कितना राइज हुआ, जो आपका T1 टेम्परेचर था, ठीक है, जो आपका T1 टेम्परेचर था वही किसका टेम्परेचर था, कैलोरी मीटर का। अगर वो कुछ हाई होता तो वाटर का भी टेम्परेचर कुछ ना कुछ राइज कर रहा होता, लेकिन स्टडी स्टेट पे आने के बाद आप जब मेजर करेंगे तो क्या है, दोनों कांस्टेंट मिलेगा, तो टेम्परेचर राइज कितना होगा, T-T1, ठीक। अब कैलकुलेट करते हैं हीट लॉस बाई सॉलिड, कितना होगा, पहले तो उसका मास हो जाएगा, तो उसका मास कितना था, mkg, फिर उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कितनी थी, C, और उसका टेम्परेचर कितना था, ठीक, टेम्परेचर कितना था, T2, लॉस कितना किया, T2-T, ठीक। ये हो गया आपका, अब वही क्या, हीट लॉस बाय सॉलिड इक्वल्स टू हीट गेन बाय कैलोरी मीटर प्लस हीट गेन बाय वॉटर, दोनों को इक्वेट कर देंगे, ठीक है, प्रिंसिपल वही है क्या, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, बाय प्रिंसिपल क्या आ जाएगा, ठीक, क्या आ जाएगा, 1 प्लस इक्वेशन 1 प्लस 2 बराबर इक्वेशन 3, ठीक है, गेन वाले एक तरफ, लॉस वाले एक तरफ, उस हिसाब से क्या मिल जाएगा, m into c into t2-t बराबर m2-m1, ठीक है, into cw into t-t1 प्लस, ठीक है, प्लस m1 इंटू स्पेसिफिक कैपेसिटी इंटू t-t1, ये आपकी इक्वेशन बनी। अब आपको इसमें से कैलकुलेट क्या करना था, वही कैलकुलेट करना है जो टॉपिक है, क्या, मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ सॉलिड, यानी आपको सी की वैल्यू निकालनी है, तो उसके लिए क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे, T-T1 कॉमन ले लेंगे, ठीक, T-T1 कॉमन लेने के बाद आपके पास क्या बचेगा, क्या बचेगा, m2-m1 इंटू cw प्लस m1 इंटू cc, ठीक है, इधर क्या बचेगा, m into c into t2-t, ठीक। अब C को इधर रख के बाकी सारी वैल्यू उधर, m2-m1 cw + m1 cc डिवाइडेड बाय m into t2-t,
ठीक है। तो अब क्या कर सकते हैं, इस वैल्यू को अगर हम क्या करना चाहे रिप्लेस, तो वो किससे रिप्लेस कर सकते हैं, आपने एक फॉर्मूला पढ़ा था सी डैश इक्वल्स टू सी इंटू एन, ठीक है, ये आपने फॉर्मूला पढ़ा था। तो इस फॉर्मूले को अगर हम चाहें तो यहां रिप्लेस कर सकते हैं, तो करके देख लेंगे तो आपका एक और फॉर्मूला निकल के आएगा, ठीक है, ये आपकी क्या हो गई सॉलिड की हीट स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। लेकिन क्या होता है इस स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी में, सॉरी यहां प्लस होगा, क्या करते हैं अगर कॉपर लेंगे तो वो कुछ ना कुछ हीट लॉस कर रहा होगा, यानी वो कुछ ना कुछ हीट गेन कर रहा होगा अपने लिए, जिससे वो टेम्परेचर आपका रीच कर सके। तो उसके लिए हम क्या करते हैं मटेरियल एक्सचेंज कर देते हैं। वो मटेरियल किस चीज का हो जाता है, आपका मेटालिक ना होके पॉलीस्टाइरीन का हो जाता है, जिसका मास भी कम है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी भी लो है और आपका चीप भी पड़ता है कॉपर से। तो हम जब उसको रख देंगे तो इसकी वैल्यू क्या हो जाती है, ठीक है, इसकी वैल्यू लगभग लगभग आपकी जीरो हो जाएगी। मास बहुत ज्यादा कम होता है कॉपर के कंपेरिजन में, तो आपका जो उस केस में आपकी उस केस में आपका जो रिलेशन आएगा वो क्या आएगा, उस केस में आपका रिलेशन आता है C बराबर T माइनस T1 M2 माइनस M1, ठीक, CW अपॉन M इंटू T2 माइनस T। तो ये आपका सारी कंडीशन लगाने के बाद ये आपका सबसे छोटा रिलेशन निकल के आता है। आपको याद कौन कौन से रखने हैं, एक ये वाला, ठीक है, इसको रिप्लेस करने के बाद ये वाला और ये वाला, ठीक है। अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो फिर आप एक रिलेशन दो रिलेशन याद कर लीजिए, जहां पे आपको थर्मल हीट कैपेसिटी मिले वहां एम वन इंटू सी सी की जगह आप सीधा उस वैल्यू को रख देंगे, आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। बहुत बार यही दिक्कत होती है कि सब लोग क्या करते हैं ये रिलेशन याद करके जाते हैं लेकिन आपको क्या दे देता है, इसकी भी वैल्यू जब दे देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक। तो आपको ये पता होना चाहिए आपकी क्या है थर्मल हीट कैपेसिटी है और ये क्या है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, ठीक है। अब अगर आपको मास और स्पेसिफिक हीट देता है तो ये लगाइए, नहीं तो ये लगाइए, ठीक है। अगर कुछ नहीं देता है कैलोरी मीटर के बारे में तब आप ये रिलेशन लगाएंगे, ठीक है। तो ये हो गया आपका कैलकुलेशन किसका, सॉलिड का। अब लिक्विड की बात करते हैं कि लिक्विड में कैसे क्या कैलकुलेशन होती है। मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड, अब जल्दी से देख लेते हैं हमारा लिक्विड का केस, ठीक है। जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि सॉलिड और लिक्विड का केस लगभग लगभग बराबर है, सारे पॉइंट्स वही हैं, ठीक, फॉर्मूला भी वही बनता है आपका जाके, ठीक है। लेकिन वहां पे भी आप सॉलिड ले रहे हैं, यहां पे भी आप सॉलिड ही लेंगे, ठीक है। तो इस केस में आपका फॉर्मूला क्या बनेगा जाके, ठीक, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड इक्वल्स टू एम टू, सॉरी एम इंटू सी, ठीक, इंटू टी टू माइनस टी वन, ठीक है, और माइनस, ठीक है, माइनस एम वन इंटू ठीक, फिर
टी माइनस सी वन। इसके बाद डिवाइड में क्या जाएगा, एम टू माइनस एम वन, फिर टी माइनस सी वन। अब आप देख सकते हैं यहां पे लिक्विड क्या था, पूरा केस वही है, सॉलिड आप उसमें डिप करेंगे फिर मिक्स करेंगे, लिक्विड क्या करेगा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी गेन करेगा। तो क्या होगा, उस वाले टर्म की तरह यहां पे भी कैलकुलेशन करेंगे तो ये वाला टर्म बराबर ये वाला प्लस ये वाला, ठीक, लिक्विड भी गेन्ड वाली साइड में रहेगा। लेकिन इस केस में आपको क्या है, सॉलिड की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी मालूम रहेगी, कैलकुलेशन किसके लिए होगा, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ लिक्विड के लिए, ठीक, पूरी कैलकुलेशन वही, पूरा फॉर्मूला सब वही, अंतर कहां आ जाएगा, वहां पे प्लस आ रहा था बीच में, यहां माइनस आ जाएगा, क्यों, इधर आपके दो टर्म रहेंगे, इधर आपका एक टर्म रहेगा, ठीक, जब इसको आप ट्रांसफर करेंगे तो क्या होगा, ये वाला टर्म माइनस में जाएगा, बस प्लस माइनस का याद रखना है, बाकी सारी चीजें वही है, ठीक है। इसमें भी वही केस आएगा, पॉलीस्टाइरीन जब लेंगे तो उस केस में आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, सीएल बराबर ठीक है, फिर M2 टू माइनस एम वन टी माइनस सी वन, बस ठीक, ये आपका लिक्विड के केस में फॉर्मूला होगा, ठीक है। तो एक केस आप अच्छे से तैयार कर लीजिए, इसकी आप एक बार प्रैक्टिस जरूर कर लीजिएगा फॉर्मूला प्रूफ करने की, सारा पूरा वैसे ही कैलकुलेट होगा, आखिरी में केवल ये ध्यान रखना है यहां पे C की कैलकुलेशन ना होके CL की कैलकुलेशन होगी। अब आगे चलते हैं, ये तो आपका हो गया एक मेथड, एक और मेथड यूज होता है, कौन सा, इलेक्ट्रिकल मेथड, ठीक। इलेक्ट्रिकल मेथड में क्या होता है, आप हीट ना प्रोवाइड करके आप सीधा इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं, कितने पावर की, पी पावर की, कितने टाइम के लिए, टी टाइम के लिए, ठीक। ऑब्जेक्ट का मास क्या होता है, एम होता है, राइज एंड टेम्परेचर कितना हो रहा होता है, डेल्टा टी हो रहा होता है। तो आप सिंपल से वहां से कैलकुलेशन कर लेंगे, ठीक है, कैसे, इलेक्ट्रिकल मेथड के लिए आपका फॉर्मूला हो जाता है, ठीक है, C इक्वल टू पी इंटू टी डिवाइडेड बाई एम इंटू डेल्टा डी, बस ठीक है। यहां पे हीट क्या है, पी इंटू टी, ठीक है, एनर्जी इंटू टाइम, इलेक्ट्रिसिटी कितनी देर के लिए और कितने टाइम के लिए, वो आपको क्या दे देगी, हीट दे देगी, और ये मास हो गया आपका ऑब्जेक्ट का, डेल्टा टी क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, वहां से आप सिंपल सा कैलकुलेशन कर सकते हैं ये वाला। तो बहुत बार ये फॉर्मूले से भी आपसे न्यूमेरिकल पूछ लिए जाते हैं, तो इस फॉर्मूले को भी आपको याद रखना होगा, ठीक। बस इसमें एक रिप्लेसमेंट है, Q की जगह आपका P इंटू टी हो जाता है, P इज द पावर एंड T इज द टाइम, ठीक। तो ये है आपका पूरा यूनिट वन, ठीक। इसके बाद आपको कुछ एग्जांपल्स मिलेंगे, एग्जांपल्स आप पढ़ लीजिएगा, ज्यादा कुछ है नहीं उसमें। अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे आपकी सेकेंड यूनिट, जो है आपकी चेंज ऑफ फेज, जिसमें आएगा लेटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, तो वहां पे पूरी लेटेंट हीट की बात होगी। तो इतने फॉर्मूले आप याद करके तैयार करके रखिए, न्यूमेरिकल प्रैक्टिस कर लीजिए, अगर कोई क्वेश्चन फंसे तो आप व्हाट्सएप या कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।